Hi and welcome to my kitchen cooking with Anya. तो आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा, क्योंकि क्रिसमस के डेज है, हर घर में मीठा तो बनता ही है और गाजर का हलवा किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ठीक है, एक किलो गाजर ले लिए, इनको मैंने क्रश कर लिया है। चार पांच मैंने छोटी इलायची ले लिया है। एक कप मैंने चीनी ले लिया है, एक कप ड्राई मिल्क ले लिया है, एक कप ऑयल ले लिया है और दो कप्स में मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि ड्राई फ्रूट डाल दिया है, जिसमें मैंने मूँगफलियाँ डाल दी हैं, बादाम डाले हैं और कोकोनट डाल दिया, काजू डाल दिया, पिस्ता डाल दिया और अखरोट डाल दिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं किस तरह बनाते हैं गाजर का हलवा। एक पैन में सबसे पहले हम गाजर डाल देंगे। इसको हल्का हम हल्की लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे ताकि इसका साथ रखें थे उनका पानी खुशक हो चुका है। अब हम दूसरे पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल के साथ ही हम इसमें दो तीन इलायचियाँ डाल देंगे। अब इलायचियों को फ्राई करेंगे जब तक इनकी खुशबू नहीं आती। इलायची भुनी गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम गाजरें जो हमने भुने, कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमने भून के रखी है गाजरें, अब इसको अंदर डाल देंगे तेल के करके, सारी गाजरें अंदर डाल देंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। हम ऑयल में इसको भूनते जाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो, लेकिन हमने इसको लगने नहीं देना यानी जलने नहीं देना, तेजी तेजी से चमचा घुमाते जाना। अब देखिए गाजरों का कलर हमारा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चीनी, ड्राई मिल्क और ड्राई फ्रूट डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। ड्राई डाल दी थी, अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं अंदर और इनको भी साथ ही इसके मिक्स करके अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना अच्छे तरीके से भूनना है कि जब तक ये ऑयल जो है तर के ऊपर ना आ जाए। तो मज़ेदार गाजर का हलवा हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो मज़ेदार गाजर का हलवा बनके रेडी हो गया है। अभी गोल्डन बात भी सुन लीजिए। क्योंकि मोहब्बत साबर है और मेहरबान और मोहब्बत हसद नहीं करती। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।